गुरुओं के कितना समझाते हैं समझ में नहीं करता है। आज छोड़ेंगे नहीं साल आगे। ये आरी के पूरा कट कट के बाप के घर पर टहलने जा रहे हैं। पूरा आरी की कट कट के दूल की कर दिए हैं। ये नौटंकी हम देख रहे हैं कई दिन से। राम माता और पुत्र तुम बाप को कैसे हाथ लगा दिया रहे। मार गया मार बेटा मार साला के मार मार पेट में हगा दे मार 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 बाबू मार चल देख रहा मार मार के मान चेक के चल थाना में जाके कथी कहेगा कि जुचपुकन के बेटा गन मार लिया है। साले तोरे सबके थाना में पता चल दो ना। हाँ जो जो हम केस करवाए कि हमर बाबू को मारा है। चलो जुचपुकन पापा। अरे बाबू के नाम से बुलाएगा। गलती हो गई पापा चलो ना भूख लागल है। पापा पानी पीबू। चल ना प्यास लागल बा। हम हैं डरो हम हैं डरोगा चमन चूतिया चमन पड़ा तो हम है कड़क दरोगा चमन प्रास। एक बार की बात है सर पहले हमारे केस लिख लीजिए ना सर। हाँ सब लिख लेंगे पहले मेरा मोटिवेशनल कहानी सुन लो। अरे साला सबको जिंदगी में काम आएगा ये दोनों का भी प्रमोशन हो जाएगा। अरे साला सुन लो। हाँ तो हम कहाँ थे। हाँ तो मेरा नया नया पोस्टिंग ना एक नक्सलाइज एरिया में हुआ था। जैसे ही मेरा पोस्टिंग हुआ ना तैसे ही हमको एक खबर आया कि एक जगह पर ना कुछ नक्सली छुपे हुए हैं। हम ठहरे करक दरोगा चमन प्राण हम आओ न जैसे टाओ और गाड़ी उठाए और फटफड़ाए चले गए। हम यहाँ पर खड़े हमारे से 10 कदम दूरी पर नक्सली खड़ा था। चला हम ठहरे करक दरोगा चमन प्राण हम बंदूक निकाले और जैसे ही फायर करने वाले थे कि हमको पता चला कि हमारा तो गन में गोलियां नहीं है। तो सर आपका तो गार फटके हलुआ हो गया होगा। गार फटके हलुआ को तो बाप के बाप करता है। अरे फिर भी सबको गिरफ्तार कर लिए। सारा का सारा नक्सली ना वो अपन बंदूक हमारे चरणों में रख के बाइज्जत थाना तक आया। वो कैसे सर। अरे उस सबको हम खाली इतना ही बोले ना कि अंडी मंडी संडी जे हमारा पर गोली चलाए ओकर मौगी मिले रंडी। ये बात सुन के कोई नक्सली हमारे पर गोली काहे चलाएगा। अब भला किसको मौगी रंडी चाहिए। तुमको चाहिए बेटा। नहीं नहीं सर नहीं नहीं सर तुमको चाहिए बेटा। नहीं नहीं आप ही को मुबारक। हाँ तो बताइए क्या कंप्लेन है आपका। देखिए ना दरोगा साहब इतने मिल के अमर कबार फोड़ दिया है अमर के प्यारी का। बस कीजिए संदीप साहब बस कीजिए। अरे आपको दहेज जितना लेना होगा ले लीजिएगा संदीप साहब। लेकिन बराती का स्वागत पान मसाला से कीजिएगा संदीप साहब। पान मसाला से संदीप साहब ये आपका कपार कौन फोड़ दिया है संदीप साहब। ये दिन बहुत पूरा ये दिन एक रम मोहल्ला साला हमारे संदीप। हाँ तो बताइए क्या कंप्लेन है आपका। दरोगा जी अमर कपार फोड़ दिया है और अमर पत्नी के साथ गलत करने का कोशिश किया है। ना ना दरोगा साहब ये हमर बाबू को मारा है और हमर पत्नी के साथ गलत काम करने का प्रयास किया है। ना ना दरोगा जी ये अमर पत्नी के साथ गलत करने का कोशिश किया है और अमर कपार फोड़ दिया है। बात करते हैं। अरे आपके बीवी के साथ ये गलत करने का कोशिश किया है और आपके बीवी के साथ ये गलत करने का कोशिश किया है। ये बात हुआ इसका जो बराबर बात हो गया सड्डी बड्डी ये बात को रखिए साइड में ठीक है। दूसर का बात पाइए ये आपका कपार फोड़ दिया है ना हैं रुकिए ये लीजिए ईटा इसका भी कपार फोड़ दीजिए। ये हो जाएगा इसका जो बराबर बात हो जाएगा सड्डी बड्डी। हेलो ए बाहर जाकर कपार फोड़ा फोड़ कीजिए अंदर में खून खून हो जाएगा कौन साफ करेगा। जाइए बाहर जाइए बाहर। हाँ हेलो मुखिया जी बोलिए। साला वो हमरे एगो कपार फोड़ लखन हम दुनू बाप बेटा एक कपार फोड़ देलियन।
किरे माखन, ये तो मोबाइल में की कर रहा है? फूलन भाई, अभी हमको परेशान मत कीजिए, हम बिजी हैं अभी। अरे ऐसे में कथी कर रहा है? ऐसे अपनी नॉलेज से पैसा कमा रहे हैं। क्या बात कर रहा है, ऐसे कैसे कमा रहा है? प्रोबो से नहीं जानते हैं क्या? प्रोबो? नहीं भाई, नहीं जानते हैं। कथी है? अरे प्रोबो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जिसमें हाँ या नो में जवाब देकर बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। तू कितने कमाया है अभी तक? अरे फुलन भाई, अभी पिछले इंडिया श्रीलंका मैच में सवाल था कि क्या विराट कोहली 50 या उससे ज्यादा रन स्कोर करेंगे, तो हम 20,000 रुपया लगाए और अपना जवाब दिया, और हमारे जवाब सही हुआ और हमको 80,000 का मुनाफा हुआ। ये तो बहुत मजेदार ऐप है। हाँ भाई, अप्रोवो पर कई तरह का कैटेगोरी है, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, इंटरटेनमेंट और भी कई तरह का कैटेगोरी है। जैसे अभी भारत भर से श्रीलंका का ODI सीरीज चल रहा है, तो सवाल है क्या भारत श्रीलंका के खिलाफ होने वाला थर्ड मैच भी जीतेगा? इस पर आपका क्या राय है? अरे पक्का जीतेगा, अपन इंडिया नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? तो बस मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसीलिए मैं क्वांटिटी स्लाइडर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर जवाब दिया। अगर मेरा जवाब सही हुआ तो हम जीतेंगे रियल कैश। तो ये पैसा निकलेगा कैसे? भाई तू पैसा गूगल पे, पेटीएम, UPI और कार्ड के मदद से आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मैच के दौरान अलग अलग सवाल पर हाँ या नो में ट्रेड करके इंस्टेंट पैसा जीत सकते हैं। अरे वाह, इतना बढ़िया है। अरे पहले कहे नहीं बताया, अभी तक तो हम बहुत पैसा जीत लेते। अभी भी वक्त है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कीजिए और 25 रुपया तक का वेलकम बोनस पाइए। और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने प्रोबो पर अपना ओपिनियन देकर पैसा कमाया है, तो आप भी जाइए प्रोबो पर ओपिनियन दीजिए और पैसा कमाइए। अरे अभी करते हैं। अगर आपके पास भी ओपिनियन है तो सोशल मीडिया, गली मोहल्ला, नुक्कड़ पर मत दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर प्रोबो डाउनलोड कीजिए और 25 रुपया का वेलकम बोनस पाइए। कुछ बोलिए ना मुखिया जी। अरे हम क्या बोले, हमारे घर का बोल सब खुद चोरी हो गया है, यहाँ तक के लटकी रूम का बोल छोड़ नहीं किया है, और चुरा लिया है साला सब। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, हमारा मोटर चोरी हो गया। लीजिए, इसका मोटर चोरी हो गया है, इनका दुगो बोल चोरी हो गया है साला। मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, अब तोरा की हो गया रे, तोरो घर में बोल चोरी हो गया की? हो मुखिया जी, बोल के साथ साथ हमारे मौगी के गाल में दांतों काट लिया है। हमको लगता है ना, ये चोर बाहर का नहीं है, ये चोर है अपन गाँव का, ना उसको सबके मौगी के बॉल पे ध्यान है। अब बाबा, मतलब कि मौगी के साथ साथ घर के बॉलों पर ध्यान है। आप लोग ई वाला बॉल नहीं समझिएगा, हम LED वाला का बात किए हैं। अच्छा हाँ, मुखिया जी, हम सब गलत नहीं समझ रहे हैं। मुखिया जी आप सही कह रहे हैं, ये चोर कहीं दूसरे जगह का नहीं है, ये चोर अपने गाँव का है। हाँ हाँ, एकदम गाँव का है। नहीं मुखिया जी, ये चोर अपना गाँव का नहीं है, कहीं बाहर का है मुखिया जी। नहीं माखन, तू नहीं जानता है, चोर गाँव का है। नहीं मुखिया जी, हम सब जानते हैं, काहे के चोर हम ही हैं। मतलब कि अब चोर बाहर का है मुखिया जी? और मुखिया जी, आप अपने पंचायत के लोग को चोर कैसे कह सकते हैं? मुखिया जी आने दीजिए चुनाव, देख लेंगे आपको हम। का हुआ मुखिया जी, बड़ा हड़बड़ी में बुलाए हैं, कोई गंभीर बात है कि? माफ कीजिए, चंदी कैब अब दहेज जितना लेना होगा ले लीजिएगा चंदी कैब, लेकिन बराती का स्वागत पान मसाला से कीजिएगा चंदी। हाँ मुखिया जी बताइए, इतना अर्जेंट में कहे ला हमको बुलाए? दरोगा जी, हमारे पंचायत के लोगों का सामान चोरी हो गया है। कोठी चोरी हो गया है मुखिया जी? इनका बॉल चोरी हो गया है, इसका मोटर चोरी हो गया है, और एकर बीबी को दांत काट लिया है। कहाँ? गाल पर। हमरा तो कहीं और लगा था। हाँ तो मुखिया जी, अब बॉल चोरी हो गया है? हाँ दरोगा जी। तो क्या हो गया, दूसर बॉल लगा लीजिए। दूसर बॉल लगा ले? अरे रोज नया नया बॉल भर के लाते हैं, रोज चोरी हो जाता है। ये खाली हमारे साथ नहीं होता है, गाँव के सब आदमी के साथ होता है। अरे 120 रुपया में खरीद के लाते हैं ना। 120 रुपया में बल्ब? हमारा तो 90 रुपया में दे देता है। अरे हमारा ओरिजिनल रहता है, 1 साल की गारंटी वाला। तो हमारा ओरिजिनल रहता है, 1 साल की गारंटी वाला, तो यो 90 रुपया में देता है, आपको ना ठग लेता है। हमारा ठग लेता है? हाँ। अब भी जाते हैं उकड़ा से 30 रुपया लेके आते हैं, हमारा से लेता है 120 रुपया और सबको देता है 90 रुपया में। अब पैसा लाइए के मानिएगा, आते समय एक सीखी पान लेते आइएगा दरोगा जी के लिए। तुमको बहुत पान खाने का मन कर रहा है, मुंह में ठुक देते हैं, पूरा पान वाला स्वाद आ जाएगा। आओ ना 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 ठुक देते हैं ना। माधर गांधी। हाँ तो मुखिया जी,
कैसन चोर है कि खाली बोलबे मोटर में चोरी करता है? पता ना दरोगा जी कैसन चोर है सो। चोर की माँ किचू। ए दरोगा जी गाली काहे दे रहे हैं? हम तो चोर के गाली दिए हैं, तो तोरा घर में काहे ला लगा रे? मतलब कि किसी के माई को गाली देना अच्छा बात नहीं ना है, सबकी माई बराबर ना होती है। अच्छा चल चोर के मौगी के गरिया देते हैं, अब कोई दिक्कत ना ना। तनका तनका दरोगा जी ऐसे काम नहीं चलेगा, शिकायत दर्ज कीजिए और जल्द से जल्द चोर को पकड़िए, हमर जंदा सब परेशान हो रहा है। आप चिंता नहीं कीजिए मुखिया जी, आप चमन चुटिया में मतलब चमन परास में भरोसा रखिए, हम जल्द से जल्द चोर को पकड़ लेंगे। और हम क्या जी, ये 90 रुपया के बॉल चोरी करने वाला चोर ना दूसरे जगह का नहीं लगता है, हमको लगता है ये आपका गाँव का चोर है। नहीं दरोगा जी, चोर बाहर का है। रे तू बहुत डांटा है रे, तू दरोगा चमन परास को बताएगा? थाना में ले जाकर 4 डंटे मारेंगे, 4 गो केस लाकर 4 साल के लिए भीतर कर देंगे। माफ कर दीजिए दरोगा जी। हाथ नहीं जोड़िए कभी साहब, हाथ नहीं जोड़िए। अरे जहर जितना लेना होगा ले लीजिएगा कभी साहब, लेकिन बराती का स्वागत पान मसाला से कीजिएगा कभी। ठीक है मुखिया जी, आप चिंता नहीं कीजिए, हम चोर को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। और हाँ आप लोग भी चिंता नहीं कीजिए, हम चोर को पकड़ लेंगे। जाइए घर आराम से सोइए, जाइए। ठीक है मुखिया जी, हम चलते हैं। चलो हमारे दरोगा चमन चुतिया। दरोगा चमन परास जी कह रहे थे कि चोर को थोड़ा जल्दी पकड़ लीजिएगा, अंधेरा में बहुत परेशानी होता है, मुखिया इंजी टाइम पर नहीं देती है। खाना पीना कहती है कि अनहार में हमारा दिखाई नहीं देता है। अच्छा अच्छा, हमको तो कुछ और लगा। उस अनहारे में लेने में बहुत मजा आता है। अथवा चोर को जल्दी पकड़िएगा। जी जी चलो। ई बॉल हमर, ई बॉल तोहर, आ ई बॉल तोहर, ई बॉल। अरे ई छोटकी बॉल है, छोटकी बॉल हम नहीं लेंगे, दोसर बॉल ला हमरा। अच्छा ठीक है, तो ई वाला बॉल माखन चा को दे दो, माखन चा अभी नहीं है, और ई वाला बॉल तुम ले लो, और ई वाला बॉल हम ले लेते हैं, और ई वाला बॉल तुम ले लो। अरे साला ई वाला बॉल तो हम ही ले, चाहे कुछ हो देता हूं। चुप मत चला, रुक, सबके बराबर बराबर बांट देते हैं। जल्दी कर, इले तोहर, इले तोहर, यहाँ मार, सबके बराबर बराबर हो गए ना, अब सब खुश होते ना। हेलो, हाँ हेलो, प्रिया है? नहीं है प्रिया, रॉन्ग नंबर। अरे रे साला, चोरी करने जाता है कि छिनवाई करने जाता है रे? कथ हुआ ऐसे? अरे सुरेशवा के मौगी के गाल में दांत काहे काट लिया है? हम का काटे है गाल में दांत, वो तो मोटका काटा है। ये माधरचुद मोटका, आइए ना हमरा मारने, घरे काट देंगे। देख बउआ ये सब अच्छा नहीं होता है, ये सबसे हाथ उठ कर जाता है, लाओ ये हमको दे दो। अरे लाओ ना, अरे नहीं मारेंगे, लाओ, आओ आओ आओ, लाओ लाओ, ये सबसे हाथ उठ कर जाता है, ये सब अच्छा चीज नहीं है, इसको तो फेंक दो। अब बउआ उस सुरेशवा के मौगी के गाल में दांत काहे ला काट लिया था? का बताए माखन जा, ओकर मौगी के लाल गाल देख के ना हमरा बर्दाश्त नहीं हुआ, तो एहला एक और मार दिए। अच्छा बर्दाश्त नहीं हुआ, अच्छा बउआ के बर्दाश्त नहीं होता है। हेलो, हाँ हेलो, प्रिया है? अरे साला तुमको बोल दिया ना कि रॉन्ग नंबर है, समझ में नहीं आता है? रख फोन। साला आइंदा से ऐसा हरकत किया ना तो तुम्हारे फनफनाने वाला चीज काट देंगे साले। साला सब इधर आओ, आना रे साला आना। गांव का माहौल पूरा गरमायल है और चोरी वाला खबर पुलिस तक पहुंच गया है, तो आज रात का चोरी बहुत सतर्की और सावधानी से करना होगा। और हाँ, पिछले रात कितना बॉल खुला था रे? 40 गो। आज रात में 50 गो बॉल खुलना चाहिए।
जो बॉल मिले, एलईडी, सीएफएल, ट्यूबलाइट, फ्यूलाइट, जो बॉल मिले सब खोल लो, पूरा गांव अंधेरा अंधेरा कर दो। एक बार की बात है, एक भारी क्रिमिनल, बहुत भारी क्रिमिनल का हम पीछा कर रहे थे। क्रिमिनल आगे आगे भाग रहा था, हम उसका पीछे पीछे भाग रहे थे। क्रिमिनल आगे आगे भाग रहा था, हम उसका पीछे पीछे भाग रहे थे। सुन रहा है ना? हाँ हाँ सर सुन रहे हैं, बोलिए ना। हाँ तो क्रिमिनल आगे आगे भाग रहा था, हम उसका पीछे पीछे भाग रहे थे। क्रिमिनल बड़ी तेजी में भाग रहा था, हम भी बड़ी तेजी में भाग रहे थे। भागते भागते क्रिमिनल पहुंचा कोलकाता, हम भी पीछे से पहुंच गए कोलकाता। वो हमारा ब्रिज के ऊपर से भाग रहा था, हम हमारा ब्रिज के नीचे से भाग रहे थे। कैसे सर? अरे नैया से, हाँ तो चोर भागते भागते पहुंचा वो गली में, हम भी पीछे से धड़ाक से पहुंच गए गली में। चोर आगे आगे भाग रहा था, हम पीछे पीछे भाग रहे थे। चोर आगे आगे एकदम स्पीड में भागे जा रहा था, हम भी पीछे से स्पीड में भागे जा रहे थे। जैसे ही पकड़ने वाले थे तैसे ही मेरा नजर एक सुंदर कन्या पर पड़ गया। वो सुंदर कन्या हमको देख रही थी, हम उसको देखे जा रहे थे, वो हमको देखे जा रही थी। इतना ही में क्रिमिनल गया छोड़, धत तेरी माँ की चूत। सर आपको नहीं बोले हैं, मच्छर को बोले हैं। हाँ तो क्रिमिनल गया भाग, हम पहुंचे उस सुंदरी के पास, किए पर पोज और दोनों मिल के किए चिंटू मिंटू का खोज। अब बस कीजिए सर, तनका चोरों पे ध्यान दीजिए। अरे आई कोई चोर गार नहीं हिलागा, काहे कि उसको पता चल गया होगा कि दरोगा चमन पर यकीन पर निकला है चोर की माँ की आंख। पूरा गांव सो चुका है। हेलो, हेलो प्रिया है? अरे बहन चो, तुमको कितना बार बोले हैं कि प्रिया का नंबर नहीं है, तो काले बार फोन कर देता है सर। फोन रे साला, मोबाइल के अभी से गान में डालकर रख लो, अगर बच गया तो चलो। देखिए हमको दरोगा चवन प्राश पर तनको भरोसा नहीं है। अगर आप लोगों को अपने अपने बॉल को सुरक्षित रखना है ना, रात भर जग के निगरानी करना होगा और खुद ही चोर को पकड़ना होगा। हाँ मुखिया जी, आज चोर को पकड़िए लेंगे और ये बांस घुसा देंगे। ना मुखिया जी, खोचा बांस घुसाएंगे, बड़ा दर्द होगा। अरे तोरा बड़ा मालूम है, कोई घुसा दिया था कि सब चारों तरफ फैल जाओ और सबका आँख खुले रहना चाहिए। जाओ रे ले ला जैकेट। जी मुखिया जी, तोहर नया नया ब्याह हुआ है तो पहरादारी छोड़ के मौगी के पास सोने नहीं भाग जाना। ना ना मुखिया जी, नहीं जाएंगे। और अब जो सोच रहे हैं ना, वो हम एक बार लेके आए हैं। साला आजकल के छोरा सा साझे पहर ले लेता है। एगो हमर जमाना हुआ करता था, लेने के लिए 2-2 बजे रात तक जागना पड़ता था। ओहो, रात में कथी कथी सोचा रहा है। चलो चोर को पकड़ते हैं। अरे एगो बॉल तो छूटले है। अरे छोड़ दीजिए माखन चा, ललका बॉल है, 10 रुपया के है। अरे साला आए हैं तो पूरा गांव अंधेरा कहिए कर जाएंगे। इधर देख, कोई है ना? ना ना ना, कोई ना है। ठीक है तो चल रे, बल्ब खोल, पहले हम इधर उधर देखते हैं कि कोई है तो ना। खोल लिए बॉल माखन जा, कहाँ रखिए? चपाट आदमी, ले खोल देते हैं, रख दे हमारे लंडे पर। अरे बाप रे 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 बाप, पूरा घर में बॉल घुसा दिया रही है। साला पूरा जल के राख हो गया। अरे बाप रे, चपाट कहे रखने के लिए तो सच में रख लिया दिया। काफी ना बोले रखने के लिए। रे साला हम बोलेंगे नदी में कूद जाने के लिए तो कूद जाएगा। हाँ कूद जाएंगे और नहा के निकल जाएंगे। अरे माधर वसर पप्पू, अरे बाप रे बाप, पूरा सिस्टम जला के राख कर दिया। अरे बाप, अरे साला फोको पड़ गया। अरे बाप रे, बता तनका फूकता रे। पूरा जल गया की? ये साला तुरा कितना बार समझाए हैं कि फोन को साइलेंट रखा कर, समझ में नहीं आता है। पता नहीं कौन है, बार बार रॉन्ग नंबर से फोन करता है, बोलता है प्रिया है प्रिया है।
लफन देखते हैं साला कौन है। हेलो हेलो प्रिया है, तोरा मैया के नैया पार लगाओ साला, फोन में घुस के इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे गार लाल कर देंगे साला तोहर। आइंदा से इस नंबर पर फोन किया ना, मार के दिल दरिया गार समुंदर कर देंगे तोरा प्रिया के। रख फोन। कौन है तेरे? अरे साला के इसे तो बोल चोर है। रे साला मुंह झापा भाग यहां से, बोल ले ले। हो गा बना से पकड़ो हो, जाइए बोल चोर हो। कन्ने है चोर, कन्ने है, कन्ने गया चोर। जो भी ये इधर भागा है तो मुंह कोई देख रहा है, जल्दी से चलिए चोर को पकड़िए ना। आप ही लोग जाइए मुखिया जी, आप पकड़िए। हम नहीं जाएंगे, हमारा हाइड्रोसिल बढ़ल है, हमारा दौड़ने में दिक्कत होता है। 10 रुपया के बोल के चलते ठंडा में कौन जाए चोर के पकड़े। तू ऐसा जा। अरे साला के कितने भाग गया? मुखिया जी हमको लगता है इधर गया है। जाकर पकड़ो ना दोनों। दरोगा चमन पड़ा से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो असंभव। बड़ा बड़ा चोर दरोगा चमन प्रास के नाम सुनते चंपत हो जाता है, लेकिन हम होने नहीं देते हैं। माफ कर दीजिए दरोगा जी, आज दिन से नहीं करेंगे ये सब काम। चंदी साहब हाथ क्यों जोड़ रहा है? चमड़ी साहब भले आपको डहर जितना लेना होगा ले लीजिएगा चमड़ी साहब, लेकिन बड़ा टिकट लागत पान मसाला से कीजिएगा चमड़ी साहब, पान मसाला से। अरे चमड़ी साहब के चोर लखा दोनों कहा पकड़ ले है रे? ठीक है तो समझी साहब हम चलाइ छी। ठीक ठीक चमड़ी साहब, ठीक ठीक। अरे चल। हे भगवान, हो बेटी के ब्याह हो गया, अब हम गंगा नहा लिए। अरे आप ही के तो समधि मिलन के चक्कर में भाग गया। दरोगा जी चोर इधर भागा है, देखे हैं? देखे भी, पकड़े भी, आ भाग भी गया। कैसे भाग गया? यह दरोगा जी के भूलने के बीमारी और बेटी के ब्याह कराने के कहानी के कारण। हम कह रहे थे कि दरोगा चमनप्रास कोई ना कोई चुतियागिरी करेगा, कर दिया ना? दरोगा जी हम आपसे कल थाना में मिलते हैं, चलो रे। कैसन कैसन के सरकार दरोगा बना देता है, अगर हमारा दरोगा बना देता ना तो हमें एक मिनट में चोर को पकड़ लेते। कौन क्लास तक पढ़ा लेते बउआ? 6ठा फेल है। तब बाप के जूज बनिए। कुछ याद कीजिए दरोगा जी, याद कीजिए, दिमाग पर प्रेशर दीजिए। हाँ हाँ मुखिया जी दे रहे हैं प्रेशर। अब दिमाग में प्रेशर देने का वाला घर बड्डी आ गया है, अब खाली पढ़ाया है, हगाया नहीं है। दरोगा जी रात में क्या खा लिए थे? पूरा पाठ के विषय ने महका दिए है। मार तो फाड़ देंगे सारा, चुपचाप सुन लो, प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है दरोगा जी, अब माथा पर प्रेशर दीजिए और याद करने का कोशिश कीजिए। माफ कर दीजिए दरोगा जी। उस दिन जो आपके दूरा पर हमरा से एगो छोरा थेटर लॉजिक कर रहा था, वो छोरा कौन है? गाँव का लड़का है, नाम माखन है। अच्छा, रहता कहाँ है? रहता तो गाँव में है, लेकिन दिखाई कहियो कहियो देता है दरोगा जी। इबर साला हम बांटेंगे, पिछले बार हम नहीं थे तो सब हमको छोटके छोटके बोल धरा दिया था। हट साला उधर हट। माखन जा, आप हमको बारा कहते थे कि तू हमार झाड़ झड़का दिया। कल रात में तो सच्चे में झड़का दिए, कैसा लगा? साला कहियो हम तोर गाँव झड़का देंगे। माधर चोद। पांच गो बोल हमार, 5 गो
तोहर पांच को तोहर ले बतावा तू पांच को ले और दुगो तोहर और ई वाला दुनियो हमर और ई वाला हमर मखन जा ई बाल हम लेंगे हद तेरा मैया के नैया पार लगाए भगले कि ना मार माखन भाई ई बार तो हम ही लेंगे पिछले बार ही साला काट के दिया था बोल जलवे नहीं किया था ये भाई सब लाई इधर साला ई बार हम लेंगे हम ही लेंगे माखन जा ई गलत बात है आप गलत बांट रहे हैं हम बांट दे के अरे कौन है रे माधर हम तोहर बाप दरोगा चमन परा सर देख के चुका कीजिए हमरा अपने साफ करना होता है मौगी साफ नहीं कर देती है नहीं हमको खुद साफ करना पड़ता है ऊपर से उसका साया सारी भी साफ करना पड़ता है अरे तू बीवी से डरता है अरे हम अपन बीवी के अपना कंट्रोल में रखते हैं अरे जो कहते हैं वो करती है बीवी से डरता है हाँ चिंटू के मम्मी बोलो हम ड्यूटी पर जाके बर्तन साफ कर देंगे तुम टेंशन नहीं लो ठीक है अभी फोन रखो हम अभी ड्यूटी पर है रखो फोन सर आपकी बीवी का फोन था ना सर हाँ छोरा साहब थोड़ा पर तो सलाम पहले से शक था सर अभी आपकी बीवी का फोन था ना सर केस पर ध्यान दो ना चुपचाप हाँ तेरे माखन आज तो हम थोड़ा मक्खन लगा कर लेंगे सर बोलिए ना अभी आपकी बीवी का फोन था ना सर हाँ हाँ हम बीवी का फोन था बोल रहा कि बटन साफ करने के लिए जो काम करने है करो ना ए माखन ज्यादा भागने का कोशिश न करो ना ऐसा जगह गोली मारेंगे कि ठीक से भाग नहीं पाओगे माफ कर दीजिए सर सर हमसे बहुत बड़का गलती हो गया सर आए दिन से कहियो आप बल्ब चोरी नहीं करेंगे सर सर हमको माफ कर दीजिए भले आपको दहेज जितना लेना होगा ले लीजिएगा सभी साहब लेकिन बराती का स्वागत पान मसाला से कीजिएगा सभी साहब पान मसाला से तुम लोगों को आज इतना मारेंगे इतना मारेंगे घर से कचौड़े गिरा देंगे तो आप खा लीजिएगा मटका चोरा माई का ब्यूटी पार्लर माखन बताओ बॉल का चोरी करता है सर हम आपको क्या बताएं सर सर जब हम बचपन में बच्चा थे ना सर तो सर हमारा घर में लाइन नहीं हुआ करता था और सर हमको पढ़ने का बहुत शौक था सर तो सर हम अपन कॉपी किताब उठा के और दूसरे के दरवाजे पर बल्ब की रोशनी में पढ़ने चले जाते थे तो वो घर वाला सर हमको मार के भगा देता था सर सर उसी दिन हम कसम खा लिए कि अपन गांव के एक को घर में बल्ब नहीं जलने देंगे सर बस चला फिल्मी कहानी सुनाता है रे कुटला से मारता है हमको सर आप पकड़ लिए सर बेटा हमारे नाम ना डरो का चमन पड़ा बताओ सर सर बल्ब का है चोरी करता है सर सही सही बता देंगे तो हमको छोड़ दीजिएगा ना हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे बताओ पैसा के लेल करते हैं सर अपन गांव का बल्ब चुराते हैं दूसर गांव में जाकर एकदम ऑफर लगा कर बेच देते हैं 90 का बॉल एकदम 40 में पूरा छुरुक्का उड़ जाता है सर आज 200 बॉल का मांग है सर सर बहुत सस्ता दे रहा है 4 को ले ले की ठीक है सर तो हम चलते हैं हाँ चलो चलो जेल में पकड़ कर ले चलो जेल में घिसाते हुए गलत बात है सर सर आप हमसे वादा किए थे कि हम सही सही बता देंगे तो आप हमको छोड़ दीजिएगा सर दरोगा चमन प्रास नाम है हमार याद रखिएगा तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर तो जानते ही हैं शेयर करना है अपने दोस्तों में और लाइक कमेंट आपके हाथों में है लाइक कर दीजिए वीडियो को और हाँ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और हाँ आप लोग नहीं जानते हैं मेरा सॉन्ग आता है हर वीक हर हफ्ते तो यहाँ पे पोस्टर वोस्टर दिख रहा होगा क्लिक कीजिए देखिए और बताइए सॉन्ग आप लोगों को कैसा लगता है बीसी म्यूजिक अपना ही चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सपोर्ट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए सब्सक्राइब करके।